मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। वो अपने YouTube चैनल UP02 डेली बिट्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, इस ब्लॉग की शुरुआत सुबह के साथ हो रही है। जैसे आप देख रहे होंगे अभी धूप नहीं खिली है, हल्की हल्की कहीं धूप दिख रही है, बाकी यहाँ छाया पड़े हैं। तो आज सर्वप्रथम सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं और मेरे भाई नीरज आज हम जा रहे हैं महाशिवरात्रि के पावन पर्व गोपेश्वर, जो कांटा के पास पड़ता है। एक गोपेश्वर तो गढ़वाल पड़ता है, बहुत लंबा पड़ जाता है, लेकिन हम जा रहे हैं जो कांटा के पास पड़ता है, वहाँ चल रहा है शिवरात्रि के पावन पर्व महाशिव पुराण 15 तारीख से 22 तारीख तक। तो सोचा हमने वहाँ जाएँ और महाशिव पुराण भी सुने और शिवरात्रि के पावन पर्व शिव जी के भी दर्शन करके आएंगे। तो साथ में मेरे भाई साहब, छोटे भाई साहब नीरज, कैसा लग रहा भाई आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, आज काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं अभी। आज बहुत बढ़िया है, आज शिव जी के दर्शन करके आएंगे। हम पहुंचे हैं अभी बुआ के वहाँ, बुआ जी से मुलाकात हो रही है। बुआ जी पोछा उछा कर रही थी तो उसी टाइम हम पहुंचे हैं महाशिवरात्रि के पावन पर्व में। बुआ के हाल चाल जानने के लिए पहुंच गए। कैसे रहते हैं बुआ अभी? तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कांडा बुआ के यहाँ। ये है हमारी बुआ जी। अब हम यहाँ चाय पियेंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे, उसके बाद ही गोपेश्वर मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। अभी सोचा रास्ते में बुआ है तो बुआ से मिल करके जाते हैं और चाय का स्वाद ले रहे हैं। और ये है बुआ जी हमारी, ये हम सभी लोग चाय पी रहे हैं यहाँ। और ये हमारे छोटे भाई साहब, ये भी चाय का आनंद ले रहे हैं। और फूफा जी घर में है नहीं अभी, फूफा जी से मुलाकात अभी नहीं हो पाएगी। चलो वापसी में देखते हैं, अगर वापसी में मिले तो फिर मुलाकात करके जाएंगे। तो बुबू कैसे रही, हाल समाचार ठीक है? स्वास्थ्य पाए ठीक सन ठीक सन। और नाना तीना सब ठीक ठाक? सब ठीक है जी, ठीक से बड़ी चल। क्या सुंदर फूल खिले हैं, बहुत ही सुंदर फूल खिले हैं, बहुत अच्छी क्यारी बना रखी है फूफा जी ने। मज़ा ही आ गया सुंदर दृश्य देखे। तो दोस्तों, यहाँ धूप खिल चुकी है, मैं अभी पहुँच चुका हूँ कांडा। ये मेरा बुआ का निवास स्थान है। तो दोस्तों, हम पहुँचने वाले हैं मंदिर के पास। तो यहाँ से हमारी जो गाड़ी की यात्रा है यहीं पर स्टॉपेज हो जाती है। ये है सिद्ध धबला सेरा, इसके बाद ही हम चलेंगे सीधे मंदिर पर, वहाँ के दर्शन कराएंगे आपको। इस पहाड़ी की चोटी में है शिव मंदिर, यहीं पर चल रहा है शिव महापुराण और भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है आज। मंदिर लगभग बागेश्वर मुख्यालय से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आइएगा सभी भक्तगण यहाँ दर्शन के लिए। सफाई में लगे हैं अनिल धबला जी, इनसे भी मुलाकात हुई है। धबला लंबे समय बाद आज दादू से मुलाकात हुई। ये लगे हैं स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान में, सफाई अभियान में जुटे पर हैं। वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, इसलिए सफाई चल रही है यहाँ पर। आप सभी आइए, यहाँ वॉलीबॉल का आनंद लीजिए। ठीक ठीक ठीक। कब से है दादू वॉलीबॉल प्रतियोगिता? आज ही से है। अच्छा अच्छा, आज शुभारम्भ होगा। हाँ शुभारम्भ। चलो, और घर में हमारे भतीजे भी मिल गए हैं, गिरिजा शंकर उपाध्याय। तो आपको भी शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं है। और कैसा लग रहा, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छा, करके जाना हमने मंदिर के लिए, बहुत विशाल नदी है, खतरों से खेलते हुए, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का यहाँ पे नहीं बनता है, पुल नहीं बनी है, तो इसको पार करके हमें जाना है। सभी भक्तगण जा रहे हैं और ये हमारे दोनों भाई लोग आगे से लगे हैं, तो फिर पीछे से मैं भी जाऊँगा। यह है प्रारंभिक गेट शिव मंदिर में प्रवेश करेंगे, जिससे वहाँ पूजा अर्चना हो रही है भक्तों की, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो आइएगा दर्शन करेंगे आप। खड़ी सीढ़ियाँ हैं यहाँ से, जहाँ से हम मंदिर की ओर प्रवेश कर रहे हैं, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट सीढ़ियाँ हैं और ऊपर ऊंची चोटी में विराजमान है शिव शंकर भोले कैलाशपति।
ज्यादा भीड़ हुई है मंदिर में। चढ़ाई को चढ़े हैं हम दर्शन करने के लिए। और एक ब्रदर और मिला हुआ है डालो है दबाव डालो बृहस्पति तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे भक्तगणों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ सभी पंडित लोग बैठे हैं और पूजा अर्चना चल रही है। जिनके जजमान लोग हैं ये बैठे हुए हैं इस स्थान पर और पंडित जी लोग पूजा कर रहे हैं। और हमारे दाजू हैं, बहुत लंबे समय बाद मिल रहे हैं लेकिन ये पहचान नहीं पा रहे हैं, याद कर रहे हैं। और महादली टूटिया तुम्हारी भाई। हाँ हाँ तो दोस्तों अभी और लंबा इंतजार है, अभी लाइन में ही खड़े हैं हम, लगभग आधा घंटा और लगेगा। आधा घंटा हो गया हमें यहाँ खड़ा हुए लाइन में, और आधा घंटा इंतजार करने का तब हमें दर्शन करने को मिलेगा।
लाइन तो यहाँ से लगी भी इसमें वहाँ शनि महाराज के दर्शन करने के बाद हम शिव शंकर जो है कैलाश मंदिर के अंदर और इलाके जो है पहुँचे हैं। दर्शन के लिए बहुत ज्यादा भीड़ लगी है। यहाँ पे हमारे पान खत्ता है पुलिस प्रशासन भी लगी है लेकिन इनके कोई मानने वाला है नहीं। अपने हिसाब से लोग दर्शन करेंगे सकते लंबी कतार है। हेलो लाओ इधर लाओ इधर सदा शिवाय नमः गोवेश्वर महादेवाय नमः गंगा ताई नमः
प्रजापति जलम चंदन पिछाक्ष सन्नो देवी रविष्ठय महाशिवरात्रियां शुभ्यां शिवेतीयां यहां नक्षत्र घटिका वाचन शनिवासर संयुक्तायां भारद्वाजाशि तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं जैसा बता रहा था आपको कि श्रीमद् भगवत पुराण भी चल रहा है यहाँ पे। तो ये है व्यास जी की गद्दी, अभी ये शुरू नहीं हुआ है, कथा प्रारंभ नहीं हुई है अभी। बहुत सुंदर एवं भव्य नजारा है यहाँ पे। पूरा पांडाल बना हुआ है, ये कथा सुनने के लोग एकत्रित हो रहे हैं यहाँ पे। बहुत सुंदर, ये 15 तारीख से लगभग 22 तारीख तक चल रहा है। हालांकि 22 तारीख को पारायण होगा इसका, तो आप सभी लोग यहाँ पर आके महाशिवपुराण का आनंद ले सकते हैं। मंदिर परिसर में आके, बहुत विशाल परिसर है मंदिर का, तो आइएगा जरूर दर्शन करने के लिए यहाँ पे। भव्य एवं सुंदर मेला लगा हुआ है यहाँ पर आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे। मुझे भी एक मौका मिला था यहाँ पे अभी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे, तो मैं भी दर्शन करने के लिए आया था। तो आप लोग भी जरूर आइएगा यहाँ दर्शन के लिए। और अभी जो ये महाशिवपुराण जो चल रहा है वो अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, तथा इसकी थोड़ी देर में भीड़ होने वाली है। तो ये सभी लोग भक्तगण इकट्ठे हो रहे हैं कथा सुनने के लिए। और शिवरात्रि के पावन पर्व में यहाँ क्षेत्र की जनता द्वारा बहुत सुंदर होली का आयोजन किया जा रहा है। Ah, ah, ah.
Thank you.
100 रुपया दे दीजिए ले जाओ बस। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर विभिन्न प्रकार की दुकानें लगी हैं। शिवरात्रि के पावन पर्व गोपेश्वर में जो मेला लगा है उसकी शानदार झलकियाँ हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत जबरदस्त मेला लगा है, मेले का आनंद ले रहे हैं हमारे छोटे भाई मित्र हैं। विभिन्न सामग्रियाँ भी हैं यहाँ। और ये छोटा भाई बड़ी कड़ी और मेहनत और लगन के साथ लगे हैं, जिन्होंने समोसे तैयार किए हैं और जलेबी। भाई लोग मिले थे यहाँ पे, भाई लोग से मुलाकात हुई थी तो उनके साथ भी मुलाकात हुई है, ये भी दर्शन करके आ रहे हैं। कैसा लगा भाई लोगों आपको मंदिर में दर्शन करने के बाद? चलो बढ़िया है, बहुत दूर दूर से आए हैं भक्तगण यहाँ दर्शन करने के लिए। कई लोग दर्शन करने के लिए मंदिर में आ रहे हैं और कई दर्शन करने के पश्चात नीचे घर को प्रस्थान कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी भी लगातार भक्तों की भीड़ बनी हुई है, भक्तगण आते रह रहे हैं मंदिर में। तो हमने दर्शन कर लिए थे और होली भी बहुत अच्छी होली चल रही है शिवरात्रि के पावन पर्व में। तो अब हम मंदिर से नीचे उतर रहे थे, अब घर की ओर प्रस्थान करेंगे। अभी भी लेकिन लगातार यहाँ पर जो भक्तगणों का तांता है वो बना रह रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है। तो हम मंदिर से दर्शन करने के बाद नीचे आ रहे थे, तो अब नीचे उतरते हैं, उसके पश्चात ही अपने घर को प्रस्थान करेंगे, क्योंकि आज शाम को हमारे गाँव में भी होली होगी शिवरात्रि के पावन पर्व है। तो मिलते हैं आपको फिर। बहुत खाए हैं तो दोस्तों अब हम मंदिर से नीचे आ गए हैं। तो मंदिर परिसर में जो पूजा अर्चना चल रही थी और भव्य मेला चल रहा था उसको मैंने आप लोगों को पूरा वीडियो के माध्यम से दिखाया है, अपने ब्लॉग के माध्यम से। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में इसी तरह।